नॉर्मा एक शांत स्वभाव की मैरिड वुमन होती है जिसके पिता बर्न्स एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और उसका खुद का प्रोफेशन एज टीचर एक स्कूल में लिटरेचर पढ़ाती है जहां उसका बेटा वॉल्टर भी पढ़ता है। कुछ साल पहले उसके पैरों पर डंबल गिर जाने पर उसे अपने पैरों के टोज गंवानी पड़ी। तब से उसे थोड़ा लंगड़कर चलना पड़ता है और कभी कभी उसे अपने पैर पब्लिक में दिखाने से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। नॉर्मा का प्लान होता है एक प्रोस्थेटिक पैर लगवाने का, पर प्रोसीजर महंगा होने के कारण उसे थोड़ा समय लगता है। आर्थर दिल का एक अच्छा इंसान होता है और बाय प्रोफेशन एज साइंटिस्ट नासा के ऑप्टिक्स डिपार्टमेंट में काम करता है, जिसने रीसेंट मार्स मिशन के वाइकिंग मार्स सैटेलाइट के लिए कैमरा बनाने में बड़ा योगदान दिया था। मूवी की शुरुआत में एक मॉनिटर स्क्रीन दिखाया है जहां किसी तरह का रिपोर्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है, पर आखिर क्या है वो रिपोर्ट हमें मूवी के मेन प्लॉट में समझेगा। अब मूवी 1976 के समय में मुड़ जाती है जहां नॉर्मा अपने फैमिली के साथ चैन की नींद ले रही होती है, पर उन्हें क्या पता कि उनके दरवाजे पर उनके बुरे सपने ने दस्तक दी है। दरवाजा खोलने पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता। बॉक्स को खोलने पर उन्हें किसी तरह का वुडन बॉक्स मिलता है जिस पर एक बटन होता है और जो कांच के डोम से लॉक होता है। इसके अलावा उन्हें एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम के 5 बजे आएंगे। उस समय उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए कोई मजाक समझकर इसे इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मा स्कूल में पढ़ा रही होती है कि एक स्टूडेंट उसके चलने के तरीके को गौर करता है। उसे उनके पैरों के बारे में पता होने के बावजूद उन्हें अपने पैर दिखाने के लिए जोर देता रहता है, जिसे अंत में उन्हें दिखाना पड़ता है और जिसे देखकर उसके चेहरे पर ऐसी ईवल खुशी आती है जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। क्लास के बाद फिर स्कूल के प्रिंसिपल नॉर्मा को एक बुरी न्यूज देते हैं कि उसके बेटे वॉल्टर की स्कूल फी डिस्काउंट कैंसिल किया गया है किसी कारण से, जिसका मतलब ये है कि अब उसे अपने बेटे के स्टडीज के लिए पूरी फी देनी पड़ेगी। नॉर्मा को थोड़ा धक्का पहुंचता है क्योंकि उनके रोजमर्रा खर्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा होते हैं और अब इससे उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। ये बताते वक्त अचानक से प्रिंसिपल के नाक से खून बहने लगता है। वहीं आर्थर अपनी वाइफ को क्रिसमस सरप्राइज देने के लिए साइंटिफिक औजार के मदद से अपनी बीवी के लिए खुद से एक प्रोस्थेटिक पैर बनाता है, पर फिर उसे भी एक बुरी खबर मिलती है कि उसे एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एग्जाम। फिर उसी दिन घर लौटने पर ठीक शाम के 5 बजे स्टीवर्ड आता है, जिसे देखकर नॉर्मा थोड़ा डर सा जाती है, पर एट द सेम टाइम उसे उसके लिए थोड़ी दया आती है क्योंकि उसका आधा चेहरा जला होता है। स्टीवर्ड उसे बताता है कि उसके लिए उसके पास एक ऑफर है। उस बटन को दबाने पर कोई एक व्यक्ति जिसे वो जानती नहीं है मारा जाएगा और वहीं ऐसा करने के लिए उसे $1,000,000 मिलेगा। वो उसे $100 की नोट भी फ्री में देता है ताकि उसे विश्वास हो कि ये नोट बिल्कुल असली है और ये ऑफर कोई झूठा नहीं है। नॉर्मा को समझ नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का ऑफर है और क्या ये सब रियल है, स्टीवर्ड आखिर किसके लिए काम करता है। फिर स्टीवर्ड उसे बटन की की देकर उसे ऑफर्स के रूल समझाता है कि वो अपने एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय की जानकारी नहीं बता सकता। नॉर्मा किसी को भी इस ऑफर के बारे में नहीं बता सकती सिवाय उसके पति के, और उसके पास बटन को दबाने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। उसके बाद बटन को रीप्रोग्राम कर दिया जाएगा और ये सौदा किसी और को दे दिया जाएगा। वहीं आर्थर अब अपने बुरे न्यूज के साथ घर लौटता है और नॉर्मा भी अपने बुरे न्यूज के अलावा उसे स्टीवर्ट के सौदे के बारे में बताती है। आर्थर को ये सब जाली लगता है कि अगर बटन को दबाए या ना दबाए उसे कैसे समझेगा, क्योंकि बटन के बॉक्स को खोलने पर उसे किसी तरह का ट्रांसमीटर या रिसीवर नहीं मिलता। दोनों अब बटन के पीछे बहुत उलझन में पड़ जाते हैं। स्पेशली नॉर्मा का ध्यान उन पैसों पर अटक जाता है क्योंकि इतने पैसों से उनके आने वाली जिंदगी सवर सकती है, स्पेशली जब उन पर जॉब से रिलेटेड इतना बड़ा पहाड़ टूटा है। आज भी कितने लोग उसके लंगड़ाने के लिए चिढ़ाते हैं, इन पैसों से वो अपने पैर ठीक कर सकती है। फिर नासा के एक रॉकेट साइंटिस्ट जेफरी को उसके वाइफ का फोन आता है कि उसके बेटी को ब्लैक सूट में कुछ लोग उठाकर ले गए हैं और वहीं कोई उसका सीक्रेटली फोटो ले रहा होता है। अगले दिन आर्थर कंफर्म करने के लिए कि वो नोट असली है या नकली उस पर केमिकल टेस्ट करता है, पर वो बिल्कुल असली निकलता है। अब आर्थर नॉर्मा को ये मानने के लिए कहता है कि चलो थोड़ी देर के लिए मान ले कि ये सौदा सही है, पर क्या वो तैयार है किसी अनजान की जान जाने के लिए? क्या सच में अगर किसी की जान गई तो वो इस बोझ में अपनी जिंदगी बिता पाएगी? नॉर्मा यहाँ खुद को कई सोच में फंसा पाती है। वो इस उलझन को और नहीं सह सकती, इसलिए झटके में बटन को दबा देती है। दबाने के बाद कुछ नहीं होता और उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मजाक ही था, पर फिर वो बटन थोड़ा ऊपर उठ जाता है और उसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। उसी दिन फिर स्टीवर्ट घर आके ऑफर के मुताबिक
उन्हें $1 million दे जाता है और अपना बॉक्स ले जाता है। पर उसके जाने से पहले नॉर्मा उससे सवाल करती है कि अब आगे इस बॉक्स का क्या होगा, तो वो बताता है कि इस बॉक्स को रीप्रोग्राम करके किसी और को यही ऑफर दिया जाएगा और उसके केस में भी कोई एक अनजान मारा जाएगा। ये सुनने के बाद आर्थर के दिमाग में चमकता है कि जो भी अगला ये ऑफर लेगा उसके लिए हम अनजान हो सकते हैं, यानी कि उनके फैमिली में से कोई अगला शिकार होने का संभावना है। दोनों फिर तुरंत उसे पैसे लौटाने की कोशिश करते हैं, पर स्टीवर्ड उन्हें एक आखिरी नियम बताता है कि एक बार बटन दबाने पर आप ऑफर को पीछे नहीं ले सकते, और फिर वो निकल जाता है। पर आर्थर चालाकी से उसके गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है, पर इस ऑफर के बारे में वॉल्टर और बाकी सभी से सीक्रेट बनाए रखता है। फिर पुलिस लाइन को एक हत्या की खबर मिलती है। पुलिस के जांच में उन्हें जेफरी की वाइफ मरी पड़ी मिलती है, जिसे सीधे छाती पर गोली मारी होती है, और उसकी बच्ची बाथरूम में डर के मारे लॉक मिलती है। घर में एंटर करने से पहले एक बूढ़ी औरत जिसने गनशॉट की खबर दी थी पुलिस को बताती है कि गनशॉट की आवाज ठीक 4:45 पर आई थी और उसने किसी को एक ब्रीफकेस के साथ भागते देखा। वहीं आर्थर और नॉर्मा इन सब के बारे में भूलने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी लाख कोशिशों के बावजूद उनके दिमाग में वही चलता रहता है। उसी दिन आर्थर नॉर्मन को फाइनली खुद से बनाए प्रोस्थेटिक पैर एज ए गिफ्ट करता है, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आती है। नॉर्मन फिर आर्थर के साथ अपने सिस्टर की वेडिंग रिहर्सल डिनर पार्टी अटेंड करती है, जहां आर्थर को वही स्टूडेंट जिसने नॉर्मा के पैरों का मजाक उड़ाया था और एक बुजुर्ग औरत अजीब तरीके से घूरती रहती है, जिसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। ऑलरेडी उस बॉक्स से परेशान उसके गिफ्ट सिलेक्शन की बारी आती है और इस बार वो स्टूडेंट आर्थर को किसी कारण से 2 का इशारा करता है। और भी परेशान वो उसी बॉक्स की तरह दिखने वाले एक गिफ्ट सेलेक्ट करता है और उसे उसमें अजीब तरीके से स्टीवर्ट की तस्वीर मिलती है, जब उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। तस्वीर को देखकर दोनों डरे, उन्हें लगने लगता है कि वो किसी बुरे जाल में फंसे हैं। आर्थर फिर स्टीवर्ट के गाड़ी का नंबर नॉर्मा को बिना बताए बर्न्स को ट्रेस करने के लिए देता है। वहीं नॉर्मा को एक वेटर इन्फॉर्म करता है कि उसके लिए एक फोन है, फिर वो भी प्रिंसिपल की तरह उसे नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। फोन कॉल स्टीवर्ट का होता है, जिसे सरप्राइजिंग तरीके से पता चल जाता है कि आर्थर ने पुलिस को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने अपनी कोशिश बंद नहीं की तो इसका अंजाम सही नहीं होगा। वहीं आर्थर को पहले ही गुस्सा रहता है उस स्टूडेंट पर अपनी बीवी का मजाक उड़ाने के लिए, और उसकी और भी अजीब तरीके की हरकतों को देखकर उस पर वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है, जिसके शर्मिंदगी की वजह से वो नॉर्मा को लेकर पार्टी से निकल जाता है। दोनों जब अपने कार में जाते हैं तो कांच पर उन्हें नो एग्जिट लिखा मिलता है, मानो वो एक इशारा हो कि वो अपने डिसीजन को रिटर्न नहीं ले सकते। वहीं घर पर बेबी सिटर डायना आर्थर के कॉमिक कलेक्शन को देखने के बाद अचानक से उसे कुछ होश आ जाता है। अब घर रिटर्न आने पर आर्थर डायना को घर ड्रॉप करने निकलता है। यहाँ डायना आर्थर से अजीब तरीके से सवाल करने लगती है, जैसे अब तुम क्या करोगे, और खास करके उसके एक टिप्पणी जैसे व्हाट्स पुशिंग योर बटन। ये सुनकर आर्थर को एकदम अजीब लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कहना चाहेगी, क्या उसे उस बॉक्स के बारे में कुछ पता है। वो फिर बार बार उसे लुक इनटू द लाइट कहती रहती है और फिर अचानक से वो बेहोश हो जाती है। आर्थर कंफ्यूज्ड उसका ड्राइवर लाइसेंस आईडी चेक करता है और उसके बारे में उसे कुछ नया जानकारी पता चलती है, पर फिर वो अचानक से एक बिजली के झटके की आवाज से होश में आ जाती है। अब उसके भी नाक से खून बहने लगता है और वो घबराहट में आर्थर को वार्न करती रहती है कि उसकी जान खतरे में है, ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है और उसे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है, और वो खुद लुक इन द मिरर कहकर चली जाती है। डायना जब अपने मोटेल के कॉरिडोर से गुजरती है तब सभी अपने रूम से निकलकर अजीब तरीके से उसे घूरने लगते हैं। डायना अपने रूम में पहुंचने पर उसे दीवार पर अजीब तरीके के मैप्स और नॉर्मा और वॉल्टर की पिक्चर दिखाई देते हैं, और अगले सीन में एक स्विमिंग पूल के सामने कुछ लोग बिना हिले खड़े रहते हैं, जिसकी दीवार अजीब तरीके से सिल्वर पेपर से घिरी होती है। आर्थर घर पर नॉर्मा से डायना के बारे में जानने की कोशिश करता है। नॉर्मा बताती है कि वो उसे कैनेडी सेंटर के फील्ड ट्रिप में मिली थी और वो रिचमंड से बिलोंग करती है, पर आर्थर उसे रिवील करता है कि उसके ड्राइवर लाइसेंस के अनुसार उसका असली नाम सारा मैथ्यूज है, जो रियलिटी में बोस्टन से है। फिर उसे एक और बात याद आती है कि स्टीवर्ट ने शुरुआत में कहा था कि वो उसके एम्प्लॉयज के बारे में नहीं बता सकता, यानी कि डायना उसकी एम्प्लॉय हो सकती है। उसी रात फिर आर्थर को कुछ चमकता है और तुरंत अपने बेसमेंट में लगाए तस्वीर को उस पार्टी में मिले तस्वीर से मिलाता है, और अब उसे समझता है कि स्टीवर्ट नासा में एज पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर है। अगले दिन फिर वो बर्न्स के पुलिस डिपार्टमेंट नंबर प्लेट के अपडेट के लिए आता है और उसे सुनकर आश्चर्य होता है कि ये नंबर सिर्फ एनएसए वालों को दी जाती है, पर आर्थर के हिसाब से स्टीवर्ट तो नासा से जुड़ा है, एनएसए की हाईली प्राइवेट कार कैसे चला रहा है। तभी बातों के दौरान उसकी नजर जेफरी के वाइफ के मर्डर केस की फाइल पर पड़ती है, जिसके बारे में बर्न्स उसे सारी जानकारी देता है और उसे ये भी बताता है कि उसकी मौत ठीक 4:45
पर हुई थी, जिसे सुनकर अब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ठीक उसी समय नॉर्मा ने वो बटन दबाया था, यानी कि दोनों का कोई तो संबंध है। इसीलिए वो बॉन से वारदात के लोकेशन को विजिट करने का रिक्वेस्ट करता है। अब मूवी में एक छोटा सा सीन दिखाया जहाँ पे किसी तरह का एक विंड टनल है जिसके एजेस में किसी तरह का पावर जल रहा होता है। अब मूवी का सीन सुपरमार्केट की तरफ बढ़ जाता है जहाँ एक अनजान वुमन नॉर्मा को एक नोट देती है रिचमंड लाइब्रेरी में एक रिकॉर्ड ढूंढने के लिए, बिना किसी को इसके बारे में बताए, अपने पति को भी नहीं, और फिर उसके भी नाक से खून आने पर वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं वारदात के लोकेशन पर आर्थर को स्टीवर्ट के पिक्चर के अलावा ह्यूमन रिसोर्स एक्सप्लोरेशन मैनुअल की एक पिक्चर जिस पर एक लाइब्रेरी नंबर लिखा होता है, जिसके तलाश में वो नॉर्मा की तरह लाइब्रेरी जाता है। नॉर्मा हमेशा से लाइब्रेरी में आर्थर से छिपकर रहती है, जैसे उस नोट में उसे वॉर्न किया था। उसे उस लाइब्रेरी नंबर से एक फिल्म रील मिलती है जिसमें पहले के समय के स्टीवर्ट के अलावा एक वेयरहाउस दिखाया है जिसकी छत किसी कारण से जला होता है। वहीं आर्थर को एक बुक मिलता है जिसका टाइटल द लाइटनिंग बुक होता है। उसी समय कुछ लोग डरावने तरीके से उसका पीछा करने लगते हैं और अंत में उसकी मुलाकात स्टीवर्ट के वाइफ से होती है, जो उसे पानी से तैरते तीन दरवाजे दिखाती है और बताती है कि उसमें से दो दरवाजे अनंत काल की तरफ खुलते हैं और उसे उनमें से सही को चूज करना है। वो डर में बहुत सोच में पड़ जाता है, पर वो जानता है कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। फिर उसे याद आता है कि पार्टी के दौरान नॉर्मा के स्टूडेंट ने उसे दो का इशारा किया था और वो वही दरवाजा चूज करते हुए उसमें एंटर कर जाता है और फिर खुद को अब किसी अनजान यूनिवर्स में घूमता पाता है। वहीं नॉर्मा की मुलाकात स्टीवर्ट से होती है, जो उसे सवाल करता है कि उसे कैसा लगा जब उसने उसके जले चेहरे को पहली बार देखा। नॉर्मा उसे सच बताती है कि उसे उसके लिए बुरा फील हुआ, क्योंकि वो उसके हालत समझ सकती है, क्योंकि उसे भी अपने डिसेबिलिटी से गुजरना पड़ा था। स्टीवर्ट उसे बताता है कि उसकी ये हालत लाइटनिंग की वजह से हुई और अब वो उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है जो इस लाइटनिंग को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मा को फिर रोना आ जाता है और स्टीवर्ट उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है। अब अचानक से नॉर्मा खुद को अपने घर के बेड पर पाती है और वहीं आर्थर उसी बेड के ऊपर पानी में कैद हवा में लटका होता है। नॉर्मा समय रहते ही हट जाती है और आर्थर पानी के साथ सीधे बेड पर गिर पड़ता है। इतना कम नहीं था कि अब अगले दिन सिस्टर के मैरिज पार्टी के दौरान वॉल्टर किडनैप हो जाता है और वहीं फरार जेफरी आर्थर को गन पॉइंट पर अपने साथ ले जाता है और अब यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। जेफरी आर्थर को एक कॉन्फिडेंशियल CIA डॉक्यूमेंट दिखाता है, जो कि वही बुक होता है जिसका पिक्चर आर्थर ने जेफरी के घर में देखा था, जिसमें एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा होता है। वो रिवील करता है कि स्टीवर्ट का पूरा नाम आर्लिंगटन स्टीवर्ट है, जो कुछ समय पहले आसमान से बरसी बिजली के झटके से मारा गया था, पर उसके अंतिम संस्कार के दौरान अचानक से उसे होश आ गया। और ये क्लू हमें मूवी के शुरुआत में उस मेमो से मिलती है, जो कि आर्लिंगटन स्टीवर्ट के लिए ही था। तब से उसमें ऐसा बदलाव आया कि उसका शरीर किसी भी घाव से आसानी से क्योर हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो हमेशा अमर रहेगा। स्टीवर्ट रियलिटी में एलियंस के माइंड कंट्रोल में है, जो 40 साल तक के लोगों पर फ्री चॉइस नाम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, और खास करके अभी नासा साइंटिस्ट पर। एलियंस ने जानबूझकर नासा रिसर्च सेंटर को अपने कंट्रोल में किया है, क्योंकि वहां से वो पूरे अमेरिका के CIA, FBI और NSA को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये नासा के वर्जन मास मिशन से हो रहा है। यही कारण कि आर्थर और नॉर्मा की हर कदम के बारे में स्टीवर्ट को पता चल जाता था, क्योंकि उसने सिटी के कई लोग, जैसे पार्टी के दौरान वेटर, वो स्टूडेंट डैना और बाकी के लोगों को अपना एम्प्लॉई यानी कि माइंड कंट्रोल से अपना कठपुतली बना रखा है। जिस भी इंसान को वो कठपुतली की तरह माइंड कंट्रोल करते हैं, उनके नाक से खून आने लगता है, और वो बॉक्स एलियन के टेक्नोलॉजी से बना है, जिसे दबाने पर उन्हें तुरंत समझ जाता है। यही कारण है कि उनके जॉब में मुश्किलें बॉक्स के मिलने के ठीक बाद से आने लगी। उस स्टूडेंट का नॉर्मा को उसके पैरों के लिए चिढ़ाना प्लान था, ताकि नॉर्मा को बुरा लगे अपने पैरों के लिए और वो अपने कंडीशन को सुधारने के लिए उन पैसों के बारे में सोचने लगे। उसे भी वही बॉक्स का ऑफर दिया गया था और उसके वाइफ ने वो बटन दबाया था। अंत में एलियंस ने उसे अपनी बीवी या पत्नी के बीच चूज करने का ऑप्शन दिया, इसीलिए मजबूरी में उसे अपनी बीवी को मारना पड़ा। उन्होंने भी उसकी बच्ची को किडनैप किया था और जल्द ही उसे भी इन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जेफरी उसे बताता है कि उस मोटेल में स्टीवर्ट के सारे कठपुतली रहते हैं और वो स्विमिंग पूल एक तरह से एलियंस का गेट है, जिसके मदद से वो अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग जगह भेजते हैं टेस्ट के लिए। अब हमें एज एन ऑडियंस ये समझ आता है कि उस मोटेल में लोग क्यों बिना हिले खड़े थे, क्यों चारों तरफ सिल्वर लगे थे और क्यों सभी लोग डैना को घूर रहे थे, क्योंकि डैना को तभी होश आ गया था, वही बाकी सभी अब भी एलियंस के कंट्रोल में थे। यही कारण है कि
मोटेल में टीवी पर मार्स से रिलेटेड वीडियो चल रही थी जिसमें कहीं ना कहीं एलियन के टेस्ट के बारे में इशारा किया था। अब ये भी क्लियर होता है कि जेफरी ने तभी अपनी वाइफ को मारा जब नॉर्मन ने वो बटन दबाया। एलियंस लाइटनिंग के द्वारा लोगों को कंट्रोल करते हैं। डैना भी वॉल्टर को बेबी सिटी करते दौरान इसलिए एलियन के माइंड कंट्रोल में आती है क्योंकि स्टीवर्ड ने उसे घर की खिड़की से कंट्रोल किया था। दोनों उसी मोटेल की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि अचानक से एक आदमी माइंड कंट्रोल सेंटा के कपड़ों में आ जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता और देखते ही देखते एक ट्रक उनके गाड़ी को उड़ा देता है। एक्सीडेंट के बाद सिर्फ जेफरी की लाश मिलती है और आर्थर गायब सा होता है। वहीं स्टीवर्ड उसी मोटेल में बेहोश वॉल्टर को कुछ करता है और फिर उसका एम्प्लॉई वॉल्टर को लेकर उसी गेटवे में चला जाता है। अगले सीन में कुछ जोरदार बिजली उसी नासा वेयरहाउस पर गिरती है और फिर थोड़ी देर बाद चमकती रोशनी से आर्थर निकल कर आता है, पर इसका क्या मीनिंग है ये हमें आगे रिवील होगा। अब आर्थर और नॉर्मा घर लौटते हैं जहाँ स्टीवर्ट पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि उसे उनके लिए बहुत सहानुभूति है पर उसका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। वो ये भी बताता है कि वॉल्टर ऊपर बाथरूम में लॉक्ड है जहाँ वो ना तो सुन सकता है और ना ही देख सकता है। उनके पास अब दो ही फाइनल विकल्प है, या तो वो अपने बहरे और अंधे बच्चे वॉल्टर के साथ उस $1 मिलियन के साथ जिंदगी बिता सकते हैं या आर्थर नॉर्मा को शूट कर सकता है उसके दिए गन से जिससे तुरंत उनके बेटे वॉल्टर की उसकी सुनने और देखने की शक्ति वापस मिल जाएगी और वो $1 मिलियन किसी हाई इंटरेस्ट बैंक में पड़े रहेंगे जब तक वॉल्टर 18 साल का नहीं हो जाता। ये सुनकर जाहिर तौर पर उनके पैरों से जमीन खिसक जाती है। आर्थर फिर गुस्से में वही गन स्टीवर्ट पर तान देता है पर वो बताता है कि इससे उसी का नुकसान होगा, उसका बच्चा कभी ठीक नहीं होगा और उसे जेल हो जाएगी। वहीं उसके जगह कोई और उसका एम्प्लॉयर एलियन किसी दूसरे को ये काम करने के लिए हायर करेगा और यदि उसने नॉर्मा को मारा तो बाद में वो जेल नहीं जाएगा, एनएसए इसका ख्याल रखेगी। तब मूवी का फाइनल हिस्सा आर्थर के दिमाग में चमकता है कि दरअसल एलियंस इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं कि कौन धरती पर रहने लायक है, जिसमें आर्थर पास हो जाता है क्योंकि वो पैसों के पीछे नहीं भागता, उसके लिए उसका छोटा और सिंपल परिवार ही सब कुछ होता है। वहीं नॉर्मा पैसों के पीछे भागती है बिना सोचे कि इस सौदे के मुताबिक किसी की जान जाएगी। एलियंस के हिसाब से धरती अब पर्गेटरी बनता जा रहा है, यानी कि ऐसी जगह जहां सिर्फ बुरी आत्मा रहती है। वो एलियन के टेस्ट में पास हो जाती अगर उसने वो बटन नहीं दबाया होता। स्टीवर्ट कंफर्म करता है कि एलियंस ह्यूमन नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुश्किल परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं। यदि सभी लोग बटन को ना दबाएं तो एलियंस आगे ये टेस्ट नहीं करेंगे, वहीं जितने ज्यादा लोग इसे दबाएंगे उतने ही और ह्यूमन नेचर को समझने की परीक्षा अपनी जारी रखेंगे। आर्थर को जिस गेटवे दरवाजे से गुजारते हैं वो दरअसल एक टेस्ट मशीन था। उसके अंदर जाने से एलियन टेस्ट करते हैं कि क्या वो सच में धरती पर रहने लायक है। यदि ऐसा है तो उसे आफ्टर लाइफ के दर्शन होंगे जो कि आर्थर को स्वर्ग जैसा महसूस होता है। वहीं ऐसा ना होने पर वो मारा जाता है। सीरियस एक्सीडेंट के बाद भी वो बच जाता है क्योंकि मेरे ख्याल से एलियंस उसे क्योर करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वो धरती पर रहने लायक है। वो बिजली के झटके उसी एलियंस के प्रमाण है। एक और गौर करने वाली बात ये है कि जेफरी के बच्चे को भी इसी तरह ब्लाइंड और डेफ करके बाथरूम में लॉक किया गया था, इसीलिए पुलिस के रेड में वो बाथरूम में मिलती है। फिर स्टीवर्ट चला जाता है और वहीं वॉल्टर की नींद खुलती है। वो चीखता रहता है पर बहरा होने के कारण अपने पेरेंट्स की आवाज सुन नहीं पाता। नॉर्मा को अपने परिवार को इसमें डालने के लिए बहुत पछतावा होता है पर दोनों को समझ आता है कि और कोई चारा नहीं है। दोनों भी अपने बेटे को जिंदगी भर ऐसे हालत में नहीं देख सकते, इसीलिए आखिर में नॉर्मा को एक आखिरी गले लगाकर आर्थर उसे शूट करने पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी फैमिली वही बॉक्स लेकर अपने सामने बैठी होती है, यानी कि ये विशियस सर्कल रिपीट होने वाला होता है। वहां वो दूसरी फैमिली की बंदी बटन दबाती है और यहां आर्थर नॉर्मा को शूट करता है। फिर थोड़ी देर में वॉल्टर के सुनने की देखने की शक्ति फिर से लौट आती है और फिर एनएसए के लोग आर्थर को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं स्टीवर्ड उसी दूसरी फैमिली को $1 मिलियन देकर अपने नए टेस्ट सब्जेक्ट के लिए निकल पड़ता है और फिर मूवी ये दर्शाते हुए एंड होता है कि ये विशियस सर्कल चलता रहेगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।